लंबे बालों में स्वैग दिखाते सलमान खान का नया लुक वायरल। भाईजान की कर रहे हैं शूटिंग। सलमान खान ने अपनी इंस्टा फैमिली को सरप्राइज दिया है। बॉलीवुड के भाईजान ने अपना नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। फोटो में सलमान खान को लंबे बालों के साथ स्वैग में खड़े देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यह उनकी नई फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का पर्दे के पीछे का सीन है। वैसे इस फिल्म का नाम बदलकर भाईजान कर दिया गया है। नए फोटो में सलमान खान लेह लद्दाख की खूबसूरत लोकेशन पर खड़े हैं। उन्होंने ऑल इन ग्रीन कलर की शर्ट और डार्क जीन्स पहनी हुई है। सलमान खान के हाथ में फोन है, वह कहीं दूर देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जबरदस्त बाइक खड़ी है। बैकग्राउंड मिट्टी के पहाड़ और खुले आसमान को देखा जा सकता है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, लेह लद्दाख सलमान के फैंस को उनका यह लुक बेहद पसंद आ रहा है। एक यूजर ने फोटो पर कमेंट किया, बेहतरीन लुक है भाईजान, सलमान भाई लेह लद्दाख में। दूसरे ने लिखा, अपनी फोटो शेयर करने के लिए लाखों धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूँ। एक और यूजर ने लिखा, भाईजान सुपर लुक। कई यूजर्स हार्ट और फायर इमोजी शेयर कर अपना प्यार बयां कर रहे हैं। इन दिनों सलमान खान अपनी नई फिल्म के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने पहले इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की थी। शूट मई के महीने में शुरू हुआ था, तब भी सलमान ने अपने लुक की झलक फैंस को दी थी। इस फिल्म में उनके साथ बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल भी नजर आने वाली है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि फिल्म से शहनाज को बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा कि यह झूठी खबर है। फिल्म भाईजान को डायरेक्टर फराज सामजी बना रहे हैं। इसके प्रोडक्शन का जिम्मा सलमान खान और साजिद नडियाडवाला ने उठाया है। एक्शन और कॉमेडी से भरी इस फिल्म में सलमान और शहनाज के अलावा पूजा हेगड़े, साउथ स्टार वेंकटेश और जगपति बाबू भी अहम किरदार निभाने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो सलमान खान की यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम से इंस्पायर्ड है। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर फराज सामजी ने वीरम की कहानी को ट्विस्ट करके भाईजान की कहानी को लिखा है। यह फिल्म 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। सलमान खान को पिछली बार फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ उनके जीजा आयुष शर्मा थे। कुछ दिन पहले ही सलमान ने ऐलान किया था कि वह अपनी सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान को फिल्म टाइगर 3 में देखने का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं।